जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के करंट प्लस स्टैटिक एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। नियर अबाउट 15 एमसीक्यूज विद रिविजन्स विद न्यू कंसेप्ट हमने डिस्कस करे थे। आज इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले ये 15 क्वेश्चंस का लेक्चर देखो, देन इस लेक्चर पे स्विच करना, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन इज द नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। देखो, नेशनल हाईवे को मेंटेन करना, ठीक है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होती है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अ स्पेशल रोड अथॉरिटी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलके होती है, ठीक है। तो जो नेशनल हाईवे सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये चीज आपने याद रखी। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, क्या ये किसी एक्ट के थ्रू इसको पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ही हाईवे का सिस्टम देखेगा, नेशनल हाईवे का सिस्टम देखेगा? तो बिल्कुल, आपने एक एक्ट याद रखना है, नेशनल हाईवे एक्ट। नेशनल हाईवे एक्ट आया था, कब आया था? 1956 में। नेशनल हाईवे एक्ट कब आया था? 1956 में। इसी एक्ट के तहत नेशनल हाईवे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये चीज आपने याद रखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रेल बंधु, रेल बंधु इज डैश। देखो, रेल बंधु क्या है? रेल बंधु एक वेबसाइट है एवरी रेल डिवीजन। देखो, रेल डिवीजन कितनी है हमारी? 18 जोन्स है, रेलवेज को डिवाइड करा है, उसकी वेबसाइट के रिलेटेड है ये। मेडिकल ऑफिसर इन एवरी ट्रेन टू फाइट इन एनी मेडिकल इमरजेंसी। तो मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन में फाइट करने के लिए कोई मेडिकल ऑफिसर है, उसको रेल बंधु कहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड इन ऑल एसी कोचेज ऑफ राजधानी शताब्दी या ड्यूरेंटो ट्रेन में, सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलते हैं। या एक मैगजीन है जो अवेलेबल है सभी इंडियन रेलवेज में, और राजधानी शताब्दी एसी ड्यूरेंटो ट्रेन में जो अवेलेबल है। तो इसका आंसर है बेसिकली ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखो, रेल बंधु जो है ना वो एक मंथली मैगजीन, आपने याद रखना, क्या एक मंथली मैगजीन है जो सभी रेलवेज में अवेलेबल होती है, चाहे वो राजधानी हो, शताब्दी हो या टोरंटो ट्रेन हो, तो सब में हमारे पास रेल बंधु एक मंथली मैगजीन है, ये चीज आपने याद रखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे पैसेंजर कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट। देखो, इंडिया में एक ऐसा कोचेज को बना, जो रेलवे के कोच होते हैं उनको बनाने के लिए एक ऐसा हमारे पास हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो ना वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में लीडिंग रेल कोचेज मैन्युफैक्चरर है। मतलब वर्ल्ड में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है कोचेज बनाने में, ठीक है। वो कौन सा है? वाराणसी, चित्रांजन, परमबूर या कोलकाता? तो इसका आंसर है बेसिकली परमबूर, ठीक है। परमबूर में ICF है। ICF आपने नाम सुना होगा, इंटेग्रल, ध्यान से सुना, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री। इंटेग्रल कोच फैक्ट्री जो है ना परमपुर में, वही जो फैक्ट्री है, ये एक लीडिंग रोल प्ले कर रही है इस टाइम वर्ल्ड में कोचेज को बनाने में, ये चीज आपने याद है। तो कौन सी फैक्ट्री है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और कहां पर है? पेरमपुर में, ये चीज आपने याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड। तो साउथ सेंट्रल, ठीक है, साउथ में जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन वाला यहां पर कहीं, मैंने देखो आपको मैप के थ्रू पढ़ाया था, ये सेंट्रल है रेलवे, ये नॉर्दर्न आ जाएगा यहाँ पर, वेस्टर्न, ईस्टर्न, फिर ये नॉर्दर्न सेंट्रल, वेस्टर्न सेंट्रल, ईस्टर्न सेंट्रल, फिर यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके मैं सारी 18 के 18 रेलवे जोन्स आपको समझाई हूँ, तो वो लेक्चर आप जरूर देखना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि साउथ सेंट्रल, सेंट्रल का, साउथ का सेंट्रल जो रेलवे है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटारसी में, मुंबई में, सिकंदराबाद में या विजयवाड़ा में? तो कहाँ पर है? सिकंदराबाद में, आपने याद रखा है, सिकंदराबाद में हमारे पास क्या है? साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सारे मैंने आपको पढ़ाए, जैसे वेस्ट वाले जो मुंबई में है, ये आपने याद है। विजयवाड़ा के रिलेटेड हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि विजयवाड़ा जो है वो ईस्टर्न, जो हमारे पास कोस्टल रीजन को कनेक्ट करने वाला जो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है, वो वेस्ट बंगाल को विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश कनेक्ट कर रहा था, ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। तो विजयवाड़ा में कोई हेडक्वार्टर नहीं है रेलवे जोन का, बट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रख सकते हो। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे लंबा जो है वो नेशनल हाईवे कौन सा है, ये आप सबको पता है, NH4, NH44, NH10 या NH5। तो NH44 जो है, जो श्रीनगर से, श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ कनेक्ट करता है, कन्याकुमारी के साथ कनेक्ट करता है, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना। देखो, हमें कई बार कन्फ्यूजन होती है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। देखो, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, लेकिन इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। बट अगर हम मेनलैंड इंडिया की बात करें, आइलैंड ग्रुप्स को छोड़ के मेनलैंड इंडिया की बात करें, तो वो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी कहाँ पर है? वो केरला में नहीं है, वो तमिलनाडु में है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक की जो NH44 है, वो इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसकी लेंथ
नियर अबाउट 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो या तो आपको पोर्ट्स के रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि फॉर एग्जाम्पल कांडला पोर्ट पूछ लेगा कहां पर है, सिंपल क्वेश्चन, बट इसको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये भी बोल सकते हैं विच पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट, विच पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको मैप के थ्रू ना सारे पोर्ट्स करवाए थे कि कौन सा ईस्टर्न में, मैंने यहां से स्टार्ट करा था गुजरात से और यहां पर वेस्ट बंगाल तक के सारे कोस्ट लाइन पे जितने भी हमारे 13 मेजर पोर्ट थे वो सारे मैंने आपको बना के बताए थे, ठीक है। तो वो वीडियो जो है रेलवेज वाली, पोर्ट्स वाली, सी पोर्ट्स वाली, एयरपोर्ट्स वाली, वो वीडियो जरूर देखना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू फॉर योर एग्जाम। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाना, ज्योग्राफी वाली जो प्लेलिस्ट होगी ना उसमें जाना, वहां पर वो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाले हुए हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट में कौन से पोर्ट है, देखो कांडला पोर्ट गुजरात में है, तो गुजरात तो वेस्ट कोस्ट में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाल्दिया पोर्ट और कोची पोर्ट, हाल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, हाल्दिया पोर्ट जो है वेस्ट बंगाल में है, ये मैंने आपको बताया था, हुगली रिवर है यहाँ पर, और रिवराइन पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट जो है वो रिवराइन पोर्ट है, इंडिया का इकलौता, तो ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोची पोर्ट, कोची पोर्ट कहाँ पर है, कोची पोर्ट कहाँ पर है हमारा, कोची पोर्ट केरला में है, केरला में है कोची, तो कोची पोर्ट कहाँ पर आ जाएगा, केरला में आ जाएगा, ठीक है, कोची पोर्ट कहाँ पर आ जाएगा, केरला में आ जाएगा, तो ये तो वेस्ट कोस्ट में है तो ये भी इसका नहीं होगा, ठीक है। पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट ओडिशा में है, कहाँ पर है, ओडिशा में, तो ठीक है ये तो ईस्ट कोस्ट में है, बट इसके साथ कांडला पोर्ट दिया हुआ, कांडला पोर्ट तो वेस्ट कोस्ट में है, कांडला पोर्ट गुजरात में है, तो ये भी नहीं होगा। पारादीप पोर्ट और हाल्दिया पोर्ट, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाए, देखो पारादीप पोर्ट ओडिशा में है तो ये भी वेस्ट ईस्ट कोस्ट में है, और हाल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में, ये भी ईस्ट कोस्ट में है, तो दो ईस्टर्न कोस्ट में कौन से हैं, पारादीप और हाल्दिया, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार हम जब ऐसी चीजें मैप्स के थ्रू देखते हैं ना, तो अगर एग्जामिनर थोड़ी डिफिकल्टी करना भी चाहे तो वो भी हम वहां पर उसमें भी हमें प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है कि हाल्दिया पोर्ट यहाँ पर है, पारादीप यहाँ पर है, थोड़ी उसकी लोकेशन भी आपने ध्यान में रखनी है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट लेके चलना है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखो इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद जो पहला मेजर पोर्ट जो बनाया गया था उसका नाम पूछ रहे, न्यू मैंगलोर, मुंबई, नवाशिवा या कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट बनाया गया था, नवाशिवा पोर्ट जो है ये भी मुंबई में है, मुंबई पोर्ट आपको पता है, मुंबई पोर्ट तो मुंबई महाराष्ट्र में ही है, और उसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो कौन सा पोर्ट बनाया गया था, कांडला पोर्ट। देखो हुआ क्या था, ध्यान से सुनना, जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के साथ साथ इंडिया का तो पार्टीशन भी हुआ था, इंडिया के पार्टीशन के बाद आपको पता है बहुत सारा एरिया हमारा पाकिस्तान में चला गया, तो जो पाकिस्तान में एरिया गया उसके उसके साथ साथ हमारा एक मेजर पोर्ट भी चला गया, कौन सा पोर्ट, कराची पोर्ट। जब कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया तो इंडिया का जो मुंबई पोर्ट था ना महाराष्ट्र वाला, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया वहां पर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक और मेजर पोर्ट जो है वो बनाना स्टार्ट किया गया, दैट इज नोन एज कांडला पोर्ट। तो कौन सा पोर्ट है, कांडला पोर्ट कहाँ पर है, कांडला पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट, देखो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, दिल्ली यहाँ पर साउदर्न में आ गया चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल, ईस्टर्न में आ गया हमारे पास वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, और वेस्टर्न में आ गया मुंबई, ये चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इनको कनेक्ट करता हुआ एक कॉरिडोर हमने बनाया था जिसको हमें बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, और नेशनल हाईवे ये बनाया था, इसको किस प्राइम मिनिस्टर के अंदर इनिशिएट किया गया था, इस प्रोजेक्ट को पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो किसके अंदर ये इनॉग्रेट हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर इसको इनिशिएट किया गया था, ये चीज आपने याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेशनल हाईवे 1 NH1 जो है, देखो कल हमने NH44 के बारे में पढ़ा था, ठीक है, NH44, आज हम पढ़ते हैं NH1 के बारे में। NH1 किसको कनेक्ट करता है, दिल्ली को किसके साथ कनेक्ट करता है, चेन्नई के साथ, कोलकाता के साथ, मुंबई के साथ या अमृतसर के साथ, तो आपने याद रखना है NH1 जो है वो कनेक्ट करता है दिल्ली को अमृतसर के साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देखो नेशनल हाईवे पहला है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी तरह मैंने आपको नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3, 4 सभी बताए थे, ठीक है। 1 जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जो गंगा है उसको हुगली के साथ कनेक्ट करता है, सबसे लंबा भी है यही, तो ये हमने कल देखा था। उसके बाद हमने सेकंड के बारे में पढ़ा था, ब्रह्मपुत्रा वाला है, उसके बाद हमने वेस्ट कोस्ट में कौन सा वो देखा था, ईस्ट कोस्ट में कौन सा वो देखा था, तो चारों वाटरवेज, नेशनल हाईवेज इंपॉर्टेंट वाले सभी, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पे, किसी के नाम पर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 13 के 13 मेजर सी पोर्ट उनकी लोकेशन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में। उसी तरह पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया था, और इसके साथ जो भी करंट में रिलेटेड है, कोई नया नाम रखा गया, कोई नया पोर्ट बन रहा है, तो ये चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज HBG पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, देखो HBG पाइपलाइन जो है वो किस चीज को ट्रांसपोर्ट करती है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम या आयरन ओर इन स्लरी फॉर्म। देखो HBG पाइपलाइन जो है वो नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करती है, किसको ट्रांसपोर्ट करती है,
नेचुरल गैस को। 1986 में इसका जो है वो स्टार्ट हुई थी। और आपको पता है ना, गेल इंडिया जो इंडिया की ऑयल रिलेटेड कंपनी है, गेल इंडिया, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो इसने स्टार्ट करा था नेचुरल गैस की ट्रांसपोर्ट के लिए HBG पाइपलाइन। तो HBG की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, बी से विजयपुरा है बट विजयपुर बोलते हैं तो इसलिए बी यूज होता है, विजयपुरा, और तीसरा जे से आ जाता है जगदीशपुरा, बिहार तक ये जाती है, ठीक है, जगदीशपुरा बिहार में जाती है। तो ये हजारीबाग को विजयपुरा और जगदीशपुरा से कनेक्ट करती है। बेसिकली ये क्या है कि ये नेचुरल गैस को कनेक्ट करके फर्टिलाइजर वाली कंपनीज में पहुंचाया जाता है, इंडस्ट्रीज में पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए ये नेचुरल गैस के लिए ये पाइपलाइन है, ये आपने याद रखना है, HBG पाइपलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन पोर्ट फ्रॉम नॉर्दर्न टू साउदर्न। देखो, नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए आपको बोल दिया, कई बार सिटीज लगाने के लिए, स्टेट्स लगाने के लिए नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट बोल देता है, इसी तरह आपको पोर्ट लगाने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। तो हल्दिया पोर्ट नॉर्थ टू साउथ देखना है कौन से है, यहाँ पर हल्दिया पोर्ट सबसे ऊपर है, कांडला पोर्ट दूसरे नंबर पर, पारादीप और कोची। देखो, केरला कोची साउथ में है सबसे ज्यादा, तो सबसे नीचे तो कोची आएगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद ओडिशा में है पारादीप पोर्ट, तो मान लेते हैं यहाँ पर आ गया पारादीप पोर्ट, ठीक है, पारादीप पोर्ट ओडिशा वाला आ गया। अब यहाँ पर उसके बाद क्या है, कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट गुजरात में है, कांडला पोर्ट गुजरात में है, और हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में हमारा हल्दिया पोर्ट है, फिर गुजरात में हमारा कांडला पोर्ट है, पारादीप है और कोची है। देखो यहाँ पर क्या है, हल्दिया पोर्ट को पहले लिया है और कांडला पोर्ट को बाद में लिया, बट ऐसा नहीं है, सबसे पहले आता है कांडला पोर्ट, सबसे ऊपर गुजरात है, कांडला पोर्ट जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर पड़ता है, और वेस्ट बंगाल का जो ये हल्दिया पोर्ट है ना वो नीचे पड़ता है, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में हमारा कांडला पोर्ट आ जाएगा, गल्फ ऑफ कच्छ वाला, गुजरात वाला, सबसे नॉर्थ में हमारा कांडला पोर्ट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल का हल्दिया पोर्ट, उसके बाद ओडिशा का पारादीप पोर्ट और कोची पोर्ट सबके साउथ में आ जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन वाले यही दो थे पहले, क्योंकि पारादीप ओडिशा और कोची तो साउथ में ही है, ये सबको पता है। अब दो का कन्फ्यूजन है, गुजरात और वेस्ट बंगाल आमने सामने, बट गुजरात का जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में, अगर गल्फ ऑफ कंबट में होता ना नीचे वाले, मतलब यहाँ पर ऐसे है ना, आपको अगर मैप पता है इंडिया का, तो ये हमारे पास गुजरात वाला पोर्शन इस तरह से है, तो ये आया गल्फ ऑफ कच्छ, ये है गल्फ ऑफ कंबट, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ में है हल्दिया पोर्ट, तो ये ऊपर है, और वेस्ट बंगाल वाला जो है वो नीचे वाली तरफ है, यहाँ पर है, तो उससे नीचे है, ये आपने याद रखना है। तो सबसे ऊपर कांडला है, फिर हल्दिया, फिर पारादीप है, फिर कोची पोर्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, कोलकाता पोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू, नेवल, ऑयल, रिवराइन और नेचुरल पोर्ट। तो ये एक नेचुरल पोर्ट नहीं है, सॉरी, ये एक रिवराइन पोर्ट है, ये हुगली रिवर पे है, आपने याद रखना। इसी तरह यहाँ से आप एक और चीज याद रख सकते हो, इंडिया का नेचुरल पोर्ट जो है सबसे बड़ा कौन सा है, जो मुंबई पोर्ट है, ये आपने याद रखना, वो इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, द लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ अ पिन कोड रिप्रेजेंट। देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको कल पिन कोड वाला कंसेप्ट बताया था, जैसे मैं एक पिन कोड लिखता हूँ, 6 डिजिट का होता है ना पिन कोड, 18001, ठीक है, ये मैंने एक पिन कोड लिख दिया आपके सामने। देखो मैंने आपको बोला था सबसे पहला डिजिट जो होगा वहां पर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रीजन को रिप्रेजेंट करता है। रीजन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, कल भी समझाया था, 1, 2 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नॉर्दर्न रीजन को। 8 पिन कोड के जोन्स होते हैं, जिसमें से 8 रीजनल होते हैं और एक नोवा जो होता है वो आर्मी के लिए होता है। तो 1, 2 रिप्रेजेंट करता है नॉर्दर्न को, ऐसे बताया था आपको। फिर उसके बाद हम चलेंगे वेस्ट में, तो 3, 4 वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे राजस्थान गुजरात वगैरह हो गया ना, तो इनका क्या होगा, वेस्ट वाला होगा, गुजरात का हो गया जैसे महाराष्ट्र, इनका वेस्ट वाला होगा। फिर 5, 6 रिप्रेजेंट करेगा साउदर्न को, और 7, 8 जो है वो रिप्रेजेंट करता है ईस्टर्न को, कलकत्ता वेस्ट बंगाल वाला, ठीक है। तो पहला आ गया रीजन, तो ये जम्मू की J&K की बात हो रही है ना, J&K के लिए 1 आता है, तो ये किसकी बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो नॉर्दर्न के लिए 1 हम यूज करें, तो ये आ गया रीजन। अब उसके नीचे होता है सब रीजन, रीजन के अंदर क्या आ जाता है, सब रीजन। देखो अब 1 वाला जो है वो नॉर्दर्न रीजन है, उसके अंदर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, उसका सब रीजन 18 और 19 है। कौन सा है, 18 और 19, जम्मू कश्मीर में कौन सा सब रीजन वाला पिन कोड यूज होता है, 18 और 19। देखो 1 तो रीजन आ गया, दोनों नॉर्दर्न में पड़ते हैं तो 1 यूज किया गया। अब जम्मू कश्मीर में कुछ कहीं पर 18 भी यूज हो, कहीं पर 19 भी यूज हो, क्योंकि ये सब रीजन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये जो थर्ड वाला होता है ना, यही पूछा क्वेश्चन में कि थर्ड डिजिट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो थर्ड के बाद, थर्ड और थर्ड के बाद वो डिस्ट्रिक्ट ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्ड वाला जो होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 0 है वो जम्मू को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये चीज आपने याद रखना। इसी तरह ये लास्ट तो आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कहां पर हो उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर क्या है, आप अब पूछ क्या रहे, लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ पिन कोड, ये लास्ट के 3 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जोन, जोन तो पहला रिप्रेजेंट करता है, सब जोन दूसरा रिप्रेजेंट करता है, थर्ड वाला रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट को, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कौन से, और उसके बाद जो तीनों है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी तो सॉर्ट करना है,
कहाँ पर एग्जैक्ट आपकी है, ठीक है? तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। देखो अब आप अपना पिन कोड देखना, आपने 1, 2, 3, 4 गांव या सिटीज छोड़ के फिर पिन कोड देखना और आपको पता चल जाएगा कि आपका पहला तो सेम है रीजन, ठीक है, सेकंड सब रीजन भी सेम होगा, बट अगर आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में चल जाओगे तो तीसरे वाला चेंज होगा, ठीक है, तीसरे वाला आपका चेंज होगा और लास्ट वाले तीनों तो हमेशा आपके अलग ही होंगे। क्यों अलग होंगे? क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट को सॉर्ट करने में हेल्प करता है। तो आई होप ये आपको पिन कोड का कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। दिस इज नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम बट आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। और ये जो 8 हैं ये रीजनल को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, और 9 जो है वो हमेशा पिन कोड आर्मी वालों के लिए यूज होता है। अगर आपके फादर या आपके फैमिली मेंबर आर्मी में है तो उनको पूछ लेना, उनको ये पता होगा, ठीक है। और मुझे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्योंकि मेरे फैमिली में है नहीं है तो मैंने भी पढ़ा ही है, तो आप एक बार कंसर्न करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। अब 5 मिनट में जो भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं जैसे हम रेगुलर करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि नेशनल हाईवे सिस्टम जो है वो किसके अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। नेशनल हाईवे एक्ट जो था 1956 ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी देता है। सेकंड, रेल बंधु क्या है, एक मैगजीन की बात हो रही है जो इंडियन रेलवे जो है अवेलेबल करवाती है सभी, और ये मंथली मैगजीन है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे पैसेंजर के रिलेटेड जो कोचिज बनते हैं, ठीक है, जो बोगीज बनती हैं, वो सबसे ज्यादा बोगीज कहाँ पर बनती हैं, पेरमपुर में। इसको कौन सी फैक्ट्री है, यहाँ पर इंटेग्रल कोच फैक्ट्री है, आपने याद है, ये वर्ल्ड की लीडिंग कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर जो है साउथ सेंट्रल का, वो सिकंदराबाद में। देखो ऐसे आपको हेडक्वार्टर 18 के 18 के याद नहीं रहेंगे, मैंने ट्रिक बताई थी, मैंने आपको ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया था, नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न ऐसे करके, तो वो देख लेना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH 44 है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ईस्ट कोस्ट में हमने देखा था पारादीप ओडिशा में, और कांडला जो है वेस्ट कोस्ट में, और हल्दिया जो है ईस्ट कोस्ट में, इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हमने कौन सा फर्स्ट पोर्ट डेवलप करा था, तो मैंने आपको बताया था कांडला पोर्ट, क्योंकि हमारा कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया तो मुंबई पोर्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन था इसलिए। गोल्डन क्वाड्रिलेटर हमने देखा था कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली मुंबई चेन्नई और कलकत्ता को कनेक्ट करता है, और किसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट करता है दिल्ली टू अमृतसर, पहला वाला नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4 सभी बनाए हुए हैं, देख लेना, कल के लेक्चर में बताया था। HBG पाइपलाइन हजारीबाग विजयपुर और जगदीशपुरा नेचुरल गैस के रिलेटेड है, ये आपने याद है, गेल इंडिया ने स्टार्ट किया था 1986 में। नेक्स्ट इज सीक्वेंस लगाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कराया, कोई भी आ सकता है, वेस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, पोर्ट कहाँ पर है, ये सब आपने याद रखना, थोड़ा मैपिंग उसकी देख लिया करो, क्योंकि आपके इंडिया के मैप भी आपके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोलकाता पोर्ट किस तरह का पोर्ट है, एक रिवराइन पोर्ट है, आपने याद रखना। मुंबई पोर्ट एक नेचुरल पोर्ट है, और लास्ट ही डिजिट क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट को सॉर्ट करने में हेल्प करता है। पहला रीजन को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, दूसरा सब रीजन को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट को, और डिस्ट्रिक्ट को सॉर्ट करने के लिए जो लास्ट के 3 है, टोटल 6 डिजिट का पिन कोड होता है, आप सबको पता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप किसी भी JKSSB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, वहां पर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड प्लेलिस्ट बने, और आपके पढ़ने के लिए वहां पर बहुत कुछ है। MCQ का रिविजन सेशन भी इस तरह के, और कंप्लीट लेक्चर्स भी वहां पर प्रोवाइड किए गए। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करें, वहां पर आपको PDF शेयर की जाएगी, न्यूज़पेपर दिया जाता है, प्लस कोई हमने टेस्ट कंडक्ट करवाना वहाँ पर करवा देते हैं, और बहुत जल्दी हम मॉक भी स्टार्ट करेंगे जब एग्जाम एक रीशेड्यूल हो जाएंगे, प्रॉपर टाइमिंग आ जाएगी, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की दी जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।